नागपुर के रेशमबाग मैदान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी पत्र परिषद में विश्व शांति सेवा समिति नागपुर की ओर से दी गई। इस मौके पर तमाम श्रद्धालु मौजूद थे। श्रीमद् भागवत कथा को अपने श्रीमुख और सुरीली वाणी से शांति दूत धर्म रत्न श्री देवकी नंदन ठाकुर जी धर्म ज्ञान से मंत्र मुक्त करने वाले हैं। तारीख 2 जनवरी से 8 जनवरी तक यह कार्यक्रम होगा, ऐसी जानकारी शकुंतला अग्रवाल इन्होंने दी है। शीतकालीन मौसम है, नागपुर में हर कोई ठंड ठंड हवा ले रहा है, मगर आध्यात्म की जो हवा है वो अपने आप में एक है। प्रभु से लीन होने के लिए यूं तो पूरी नगरी तैयार है, इसी श्रृंखला में नागपुर नगरी भी पीछे नहीं है। जी हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने वाले इन तमाम लोगों के पास, इनसे जानना चाहेंगे। इस समय में अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में। मैम ये बताइए कि जिस तरह से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? 2 जनवरी से 8 जनवरी तक धर्म रत्न श्री देवकी नंदन जी ठाकुर द्वारा भागवत कथा श्रवण कराई जाएगी। नागपुर में सभी शहरवासियों से हमारा नम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आध्यात्म प्रवचन का फायदा जितना उठा सकते हैं आप उठाइए, क्योंकि ठाकुर जी महाराज की कथा है। कथा के साथ साथ वहाँ जो यंगस्टर लोगों को संस्कार और संस्कृति के विषय में जानकारी देते हैं, वहाँ आज की पीढ़ी को बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी लोग इस कथा स्थल पर जरूर आए और श्रवण करें, कथा का श्रवण करें। शकुंतला अग्रवाल, मैं इस भागवत कथा आयोजन की अध्यक्ष है श्रीमती शकुंतला अग्रवाल। तो आपके अध्यक्ष शकुंतला अग्रवाल जी, जिन्होंने बखरू और बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि किस तरह से ये आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। एक बात तो सही है, ठीक है कि आए दिन जिस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, कई ऐसे कामकाज हो रहे, लोगों का पैसा कमाना जरूर है, मगर अध्यात्म के ऊपर में लोग दूर दूर होते जा रहे हैं, वो कहाँ नजदीक आए और परमेश्वर के साथ में उनके अपना एक जो संबंध है वो बनाए और जो रूह है, जो आत्मा है, मरने के बाद भी सबको मोक्ष मिले, यही ये लोग चाहते, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रेशमबाग से कैमरा पर्सन मोहर के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।